दिन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम करा रहे हैं क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज है हमारी 13 और हमारा सॉरी चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.4 राइट। तो अभी जो हम क्वेश्चन करा चुके हैं इसका 1 to 4 करा चुके हैं, आज हम फिनिश कराएंगे आपको 5 to 9 राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए, पढ़िएगा ज़रा प्लीज़। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ए हैमी स्पेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट करो इसे। हिंदी में अगर बोलेंगे तो पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो बाउल है, इस बाउल में उसे क्या करानी है, अंदर की तरफ ना, देखिए जो पीतल के बने होते थे उनमें कलई कराई जाती थी, उनको जो पीतल का है ना उन पर कोडिंग होती थी, तो जो कोडिंग कराने के लिए था। तो यहाँ पे हमें जो पीतल का ही क्या दिया हुआ है, बाउल दिया हुआ है। इस बाउल को जो डायमीटर है इसका वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास इसका कटोरे का व्यास। अब रेडियस ऑफ बाउल, कटोरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 10.5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो आर बराबर होता है वो D/2 होता है, हाँ या ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे देखेंगे कलई कराने की दर उसने ऑलरेडी दी है, रेट ऑफ टिन प्लेटिंग 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको प्रति बोलेंगे। तो ये गिवन में आप सारी चीज़ें लिख दी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलेंगे हम, कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कलई कराने का दर, मतलब कि अगर हम कहें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बाउल, मतलब कि हम सी एस से निकाल रहे हैं इसका, क्या निकाल रहे हैं, सी एस से। ठीक है, कटोरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कटोरे का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो होता है बेटा 2πr², कितना होता है 2πr², यहां तक क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कटोरे का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, इनर लिख लो, ठीक है, कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम यहां पे करेंगे 2 × 22/7, आर की वैल्यू है 10.5/2 × 10.5/2, यहां तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, 2 से 2 काट दे, एक बार काट दो, ठीक है, फिर 2 से और काट सकते हैं, ठीक है, 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, हमारे पास आएगा गुणा में 11 × 1.5 × 10.5 राइट सेंटीमीटर की पावर 3। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए, हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, उसने कहा है कि हमें कॉस्ट ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, कॉस्ट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कॉस्ट ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इनका सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर इनकी सबकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 173.25 सेंटीमीटर की पावर 3, अगर गुणा कर रहे हैं, अगर ना भी करो तो भी चल जाएगा, मगर गुणा कर लो तो भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग जो हमसे क्वेश्चन ने बोला है, क्या बोला है, कलाई कराने की दर जो रेट ऑफ टिन प्लानिंग है, रेट ऑफ टिन प्लेटिंग, मतलब कि कलई कराने की दर कितनी दी हुई है बेटा, दी हुई है उसने ऑलरेडी 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टिन, ठीक है, प्लेटिंग कलई कराने की लागत बराबर कितना हो जाएगा, कितने पे करा रहे हैं, 173.25 मल्टीप्लाई में 16 रुपये, बट किस पे, 100 रुपये उस पर,
बटे में आएगा। क्यों आएगा 16 रुपये? कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की उस पर क्या चल रहा है, लागत चल रही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना? ठीक है, तो अभी हमसे इसने कहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा आप, काटिए इसे। किससे काटें? देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर गुणा करेंगे मतलब इसके 100 से इसको भाग दो तो आएगा 1.7325 और मल्टीप्लाई 16 से इसको गुणा कर लो। किससे कर लो? 16 से इसको बेटा गुणा कर लो। तो 16 से जब इसे गुणा करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 27700। कितने? 4 अंक बाद पॉइंट लगाने, तो 4 अंक बाद यहाँ हो जाएगा आपका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 27.72 रुपये। ठीक है बेटा, देखो कैलकुलेशन आप ही को करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन के लिए अगर आप कहेंगे तो उसमें समय लगेगा। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, इन दोनों में आपस में गुणा कर लो पहले। ठीक है, इजीली। ठीक है, इनकी गुणा करो, फिर जो आएगा इससे गुणा कर लो, तो फाइनल आंसर ये आएगा। फाइनल आंसर ये आएगा। वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई 16 रुपये ना कितने में लगते हैं, जो 100 सेंटीमीटर उसमें लगते हैं, कितने लगते हैं 100 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का वैल्यू निकालो, 1 सेंटीमीटर कितने आएगी, बात वही हो जाएगी ना, 1 सेंटीमीटर के लिए क्यों जा रहे हो आप, डायरेक्टली निकालो कि 173.25 में जब हम निकालेंगे तो 173.25 मल्टीप्लाई में 16/100 से आप इसको गुणा कर दीजिए, तो जब 100 से भाग देंगे तो आएगा 17325, 4 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, गुणा 16 की करेंगे तो हमारे पास आंसर वैल्यू क्या आएगी, 27700। ठीक है, 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो आपका आएगा 27 रुपये 72 पैसे। कितना कॉस्ट आएगा? 27 रुपये 72 पैसे। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। उसने बोला है कि एक गोला है, उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का सरफेस एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है, 154, और हमें जो निकालना है इसमें, फाइंड क्या करा रहा है बेटा आपसे, आपसे बोला है कि गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए, गोले की त्रिज्या। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माना गोले की त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस ऑफ स्पेयर, सॉरी रेडियस ऑफ, हाँ कितनी हो जाएगी, आर सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं। जो दिया है आपको क्या दिया है, सरफेस एरिया, ठीक है, सी एस ए ऑफ या एल एस ए ऑफ स्पेयर, ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है आपका बेटा, 154, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4π r² = 154। हाँ या ना? ये दोनों इक्वल कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला बराबर में जो संख्या दी हुई है वो। अब हमें r निकालना है तो r² = 154 अपॉन में बेटा 4π, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4π हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4π, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे, बट ऐसे नहीं काटेंगे, पहले पाई का वैल्यू लिख लो, r² = 154 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 22 और ऊपर चला जाएगा 7। क्यों चला जाएगा 7, अभी दिखाते हैं। देखो बेटा, जब हम क्या करेंगे ना कि 154 अपॉन में 22/7 जब यहाँ लिखेंगे तो बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर पर न्यूमिनेटर के पास चला जाएगा इस प्रकार से। अब इसे काट लो, 22 × 7 = 154 होते हैं, 22 × 7 = 154 अगर आपको टेबल आता है तो r² = कितना हो जाएगा बेटा, 7 × 7 और नीचे कितना हो जाएगा, 4 के टुकड़े कर लो, 2 × 2 हमारे पास हो जाएगा r² = 7 × 7 और नीचे 2 × 2 ये हमारे पास है, स्क्वायर हटा दो, इस पर अंडर रूट चढ़ा दो, तो r बराबर में दोनों के टुकड़े 2-2 हैं तो कौन आ जाएगा, 7 बाहर नीचे से 2 बाहर, तो r बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कि जब इसको डिवाइड करेंगे 7 को, ठीक है जी, 2 × 2 = 6, 1 बचा पॉइंट लगा के 0, 2 × 5 = 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब कौन सा, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, ये 100% पेपर में आपका आना ही आना है। पहले हम इसे पढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको डिजिट नहीं दिए, इसलिए आपको थोड़ा सा ये सवाल अटपटा लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेडियस ऑफ सरफेस एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना है, इनका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। जैसा कि हिंदी में अगर हम पढ़े इसे तो क्या बोल रहा है हिंदी में भी बेटा, हिंदी में बोल रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों में पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का क्या है, 1/4 है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, जो चंद्रमा का व्यास है, जो इसका डायमीटर है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स। और इसका जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा भाई, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, हाँ या ना। तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने ये लिख रखा है यहाँ पे कि माना पृथ्वी का व्यास कितना है, d1। माना पृथ्वी का व्यास, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ d1 इक्वल टू एक्स, और रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है हमारे पास में, x बाई टू। अब यहां पे आते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया, डायमीटर हो गया। जब चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का कितना है, 1/4, तो x अपॉन में 4 हो जाएगा। देखिए चंद्रमा का व्यास, मैंने कहा कि ये राम नहीं, ये यहां पे हमने कहा कोई भी है, ये a है, ये b है। कह रहा है कि जो ए प्रोडक्ट है वो बी का 1/4 है, तो बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है ना। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1/4, यही होगा। तो ए की गुणा हम किस में कर रहे हैं, बी में कर रहे हैं, बट 1/4। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ये एक्स है, तो एक्स का कितना हो जाएगा, 1/4, हाँ या ना, ठीक है। एक्स का कितना हो जाएगा, 1/4। तो हमसे बोला गया है कि पृथ्वी का जो व्यास है, सॉरी चंद्रमे का व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। तो चंद्रमा पृथ्वी को हमने एक्स मान लिया, चंद्रमा हमारे पास क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, चंद्रमा हमारे पास हो जाएगा एक्स अपॉन 4। तो ये तो हमारे पास में आगे डायमीटर। अब हमें रेडियस कंफर्म करना है, तो रेडियस कंफर्म करने के लिए बेटा हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, d/2 होता है। तो यहाँ पे जब हम आर निकाल कैपिटल आर निकालेंगे, वो होगा एक्स अपॉन में 4 और बटे में पूरे का 2, तो बराबर एक्स अपॉन में 4 × 2 बराबर में आपका हो जाएगा एक्स अपॉन 8, ठीक है। अब डायरेक्टली x अपॉन 8 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से पूछा है कि आपको क्या निकालना है, इन दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून, राइट, और अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। दोनों हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों स्पेयर हैं। तो हिंदी में भी, इंग्लिश हिंदी में लिख देते हैं, चंद्रमा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, और किसका, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल। हम यहाँ पे इनको नाम दे सकते हैं, S1 और S2 दे सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4π कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R, और अपॉन में 4π स्मॉल R का स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे 4π से 4π खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास, R का स्क्वायर अपॉन में नीचे स्मॉल R का स्क्वायर। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 8 और स्मॉल r की कितनी है, x अपॉन 2 × x अपॉन 2। तो इनकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, x अपॉन 8 × x अपॉन 8, ये कैपिटल R की वैल्यू है, स्मॉल R की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, x/2 और x/2। तो इधर ले आइए, ठीक है, x अपॉन 8 × x अपॉन 8। अब जो नीचे से क्या होगा बेटा, 2x × 2x। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जब डिवाइड कर रहे हैं उससे, तो हमेशा जब आपका फ्रैक्शन में भिन्न होगा तो उनको हमेशा उल्टा कर देते हैं।
तो अब यहाँ पे x से x कट गया, इस x से ये x कट गया, बचा क्या हमारे पास में 2 × 2/8। तो यहाँ काट दो बेटा इसे, तो क्या हो जाएगा काटने पे हमारे पास में 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 8, 2 × 2 = 2 × 8, ऊपर 1 आ गया, 4 × 4 = 16 आ गया। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा बेटा क्या आएगा, 1:16। तो चंद्रमा और पृथ्वी का जो रेशियो आया है हमारे पास, इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का जो आंसर आया है वो आया है 1:16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है बहुत ही लाजवाब है। देखिए सबसे पहले समझते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस, ठीक है, इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। राइट, हमें क्या ज्ञात करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है। हिंदी में अगर बोले तो बच्चे, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो, बुक लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, तभी आपको समझ में आएगा। पिक्चर देखने की तरह इसको मत देखो, जैसे और वीडियो देखते हो ना, फनी वीडियो, अदर वीडियोज, ऐसे नहीं देखनी है, बुक लेके जरूर बैठो। देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा है कि जो रेडियस है, मैंने यहाँ पे इनका नाम दे दिया है, जैसे कि ओ ए है, ये हमारा इनर रेडियस है, जो बाउल है इसकी यहाँ से यहाँ तक की इनर रेडियस है ये बेटा, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब इसके पास ना मोटाई, अब मोटाई देखो कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी, जो ये मोटाई ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो मोटाई दी हुई है रेड कलर की दिख रहा है, ये रेड कलर की, ये कितनी है, ये है 0.25। तो जब यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, क्योंकि अब रेडियस जो बनेगी वो तो बिल्कुल एंड तक बनेगी ना, देखो ये वाली जो दिया है ओ और बी, ठीक है, ओ बी जो बनेगी, ओ बी किससे मिलके बनी है, ओ ए प्लस में ए बी, इन दोनों में जोड़ो तो 5 + 0.25, हमारी आउटर रेडियस आ जाएगी 5.25। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि इनर रेडियस ऑफ बाउल 5 सेंटीमीटर ये दिया है, थिकनेस ऑफ बाउल 0.25 और आउटर रेडियस ऑफ बाउल कैपिटल आर बराबर 5 + 0.25। ठीक है, अगर हम हिंदी में भी दे तो क्या लिखेंगे, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या आर बराबर में 5 सेंटीमीटर और कटोरे की मोटाई वो कितनी है, थिकनेस आपके पास 0.25 सेंटीमीटर, राइट, और हम कह रहे हैं कटोरे की बाहरी त्रिज्या, कटोरे की बाहरी त्रिज्या जो कैपिटल आर से डिनोटेड है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 5 + 0.25 आ जाएगा हमारा 5.25 सेंटीमीटर। देखो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बाकी मैंने जो साइड में दिखाया वो आपको समझाने के लिए करा है, अगर आप चाहो तो आप भी ऐसी फिगर बना के कर सकते हो। अब हमसे पूछा जो है वो पूछा क्या है बेटा, उसने बोला है कि बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सरफेस आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, मतलब कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो कितना होता है, वो होता है बेटा 2πr² वैल्यू लिखिए जरा, 2π का मान कितना है, 22/7 ही लिया इसने या 3.14 लिया, एक बार चेक करो जरा, ठीक है, जब तक ना बोले तब तक हमें क्या लेना है, 22/7, तो 22/7 ही लेंगे हम, ठीक है, और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, r की वैल्यू 5.25 × 5.25, ठीक है जी। अब देखो 5 से कटेगा क्या, कट सकता है शायद, ठीक है कट रहा है, 7 से काटो, 7 × 5 = 37, 70 × 49 कट गया, देखिए 525 को आप 7 से काटो फटाफट, 7 × 70 = 49, ठीक है, 12 × 9 = 3, 7 × 5 = 35, तो 75 सत्ते जो होते हैं 525 होते हैं, ठीक है आपका आ गया 75, बट जीरो मतलब जो पॉइंट है वो कितने अंक बाद लगा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे 2 अंक बाद लगा हुआ है, तो आप भी यहाँ पे 2 अंक बाद ही लगाओगे। हमारे पास आएगा वैल्यू 22 × 44 और गुणा में 0.75 × 5.25, बेटा गुणा आपको करनी है,
कैलकुलेशन आप ही को करना है, मैं इसका आंसर बता सकता हूँ सर आपको, ठीक है। चलिए, वैसे ये हमने ऑलरेडी इस प्रकार का आंसर आया हुआ है 173.25, ठीक है, इसका आंसर है 173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन जरूर करिएगा, आंसर पे मत जाओ बेटा, क्योंकि आंसर मैं तो निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, मुझे रटे हुए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, आप कैलकुलेशन जरूर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपको सिलेंडर और प्लस में स्पेयर दो की बात पूछी है। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बेटा हमें दिया हुआ है कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्पेयर्स ऑफ रेडियस आर, ठीक है, फाइंड बाद में बताएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ऊपर पहले और दूसरे क्वेश्चन से जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात, मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेंड फर्स्ट एंड सेकेंड। सबसे पहले ये बात मानिए कि जो आपके ये सर्कल सॉरी आपके पास में जो स्पेयर दिया हुआ है किसके अंदर डाला हुआ है, सिलेंडर के अंदर, जो गोला है वो किसके अंदर डाला हुआ है, बेलन के अंदर, और जो गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, आर सेंटीमीटर। ध्यान से देखना जरा बेटा, गोला इस प्रकार है, इसकी रेडियस में ऐसे नापूं या ऐसे नापूं या नीचे ले जाऊं ऐसे, रेडियस तो चारों तरफ से ही बराबर होगी, हाँ या ना। तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि रेडियस को ऐसे ना ले जाकर हमने कहा कि भाई रेडियस एक तो यहाँ आ गई और दूसरी रेडियस हमारे पास में इधर आ गई नीचे। तो रेडियस जब मैंने नापी, मैंने कहा कि जो इसका एच है, किसका एच, सिलेंडर का, वो कितना आ जाएगा, आर प्लस आर, तो एच बराबर हो जाएगा 2R। ध्यान से देखो एक बार, तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब कि बेलन की ऊंचाई h बराबर में r प्लस आर, या डायरेक्ट लिख दीजिए h बराबर में 2R, लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऐसे चित्र बना देना, ये आप कर देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्या पूछा है उसने, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, मतलब कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, 4πr² होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन का पूछा है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, देखिए रेडियस जो है, रेडियस दोनों की बराबर है, हम यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक है, मतलब कि बेलन की त्रिज्या बराबर में गोले की त्रिज्या, दोनों की बेटा क्या है, ये बराबर है, रेडियस क्या है, दोनों की बराबर है आर, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेटा 2πrh, ठीक है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πrh, क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। चाहो तो आप इसको S1 मान सकते हो और इसको S2 मान सकते हो, अगर मानना चाहो, नहीं मानना है मत मानो, डायरेक्ट करते हैं, 2πr की वैल्यू r है और h की वैल्यू है बेटा 2R, तो गुणा करिए, 2π 2×4 सॉरी 2×2 कितने हो गए, 2×4 पाई अपने स्थान पर रहेगा, आर में आर की गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, S1 अपॉन में S2, क्वेश्चन वन मतलब समीकरण, ये नाम देना चाहो तो समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 4πr² अपॉन में 4πr² दोनों ऊपर नीचे सेम है, काट दो
बराबर में 1/1 और 1:1। आपका आंसर आ गया, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया आपका 1:1। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया, आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। ठीक है, यहाँ तक की एक्सरसाइज को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी राइट नाउ आपको दूसरी एक्सरसाइज भी अभी मिल रही है, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है ना, देखिए आपको क्या समझाया था, हमने बोला था आपकी जो 13.5 है और 13.5 और 13.6 नहीं आ रही है, 13.1 और 13.2 नहीं आ रही है, 13.7, 13.7 और 13.8 ये आ रही है। तो एक वीडियो इसकी बनेगी और एक वीडियो पूरी इसकी बनेगी, चाहे वो 1 आवर की हो या उससे बड़ी हो या छोटी हो, आपको एक ही वन कहते ना कि एक ही वीडियो बनानी है, उसी में कवर अप करेंगे। आप इनको जरूर देखें, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए।